लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईबीपीएस का पेपर देने आए अभ्यर्थियों का हंगामा। एसपी कंप्यूटर एकेडमी को एग्जाम सेंटर बनाया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ा। एकेडमी संचालक पर लापरवाही बरतने के आरोप। तो अब अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि तो आईबीपीएस का पेपर देने आए अभ्यर्थियों की तरफ से हंगामा यहां पर किया गया। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि लापरवाही यहां पर बरती गई। तो आईबीपीएस का पेपर देने आए अभ्यर्थियों की तरफ से हंगामा किया गया है। एसबी कंप्यूटर एकेडमी को एग्जाम सेंटर बनाया गया था, लेकिन इस दौरान अभ्यर्थियों को एग्जाम देने आए उन छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एकेडमी संचालक पर लापरवाही के आरोप भी इन अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए गए हैं। तो आईबीपीएस का पेपर यहां पर था और इसके लिए एसबी कंप्यूटर एकेडमी को एग्जाम सेंटर बनाया गया था, लेकिन इस दौरान अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने हंगामा किया, अपनी नाराजगी को जाहिर किया और साथ ही एकेडमी संचालक पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। तो यहाँ ये बात सामने आ रही है कि जो एकेडमी संचालक है उसको इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, आईबीपीएस पेपर देने आए अभ्यर्थियों की तरफ से हंगामा, एकेडमी संचालक पर लापरवाही बरतने के आरोप। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, यहाँ पर आईबीपीएस का पेपर देने आए थे अभ्यर्थी और जब अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर किसी प्रकार की जो एकेडमी की तरफ से जानकारी थी वो किसी को नहीं दी गई थी, और जिस वजह से यहाँ पर जो परीक्षा के लिए जो सर्वर होता है वो पूरी तरह से ठप था। इस वजह से अभ्यर्थी जो है परीक्षा नहीं दे सके, उसको लेकर सारे जो अभ्यर्थी थे उन्होंने काफी हंगामा काटा, जिस पर जानकारी के बाद कई थानों की वहां पर पुलिस पहुंची और मामले को समझा बुझाकर शांत कराया गया। जी बिल्कुल चंद्रमणि, यहाँ पर एकेडमी संचालक पर जो आरोप लापरवाही के बरतने के लग रहे हैं, इसको लेकर इन आरोपों पर क्या रुख एकेडमी संचालक का? जी बिल्कुल, जाहिर तौर से लापरवाही की गई, जिस तरह से पहले से परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया था और परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक की लापरवाही के ही चलते ये अभ्यर्थी जो परीक्षा देने परीक्षा नहीं दे सके, इसके लेकर प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन अभी आधिकारिक इस तरह की कोई भी सूचना नहीं की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।